जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय बोल। कालों के काल महाकाल राजा की जय। कुंभ राशि के मेरे प्यारे दो दोस्तों, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, लेकिन अप्रैल महीने में अपने घर की यह एक चीज किसी को मत देना, वरना पूरे महीने टूटेगा मुसीबतों का पहाड़। माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों आप अगर अप्रैल के महीने में अपने घर की एक चीज किसी और को देते हो, तो यह समझ जाना कि आप अपने हाथों से अपना सुख, अपना चैन, अपनी किस्मत, अपने घर की बरकत, यहाँ तक कि अपने घर की लक्ष्मी आप किसी और को दे रहे हो। और दोस्तों मुझे पता है कि आप जाने अनजाने में 100% गारंटी व चीज किसी और को दोगे ही दोगे, और उसके बाद आपके जीवन में फिर दुख परेशानी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं, अपने घर को हमेशा के लिए सुखी सुखी चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस अप्रैल के महीने में आखिर आपको अपने घर की वह कौन सी चीज है जो किसी को भी नहीं देनी है। क्योंकि दोस्तों तो आप बहुत ही भोले हो, आप बहुत ही दोस्तों दयावान हो। आपके आस पड़ोस के या फिर आपके रिश्तेदार आपसे मदद की गुहार लेकर आते हैं, आपके पास कुछ मांगने आते हैं, और आप दोस्तों बिना सोचे समझे अपने घर की कुछ चीजें उनको दे देते हैं। आप सोचते हैं कि मदद करना तो बहुत अच्छा होता है, मदद करने से भगवान हमें पुण्य देते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी अगर हम किसी को मदद करते हैं तो पुण्य नहीं बल्कि पाप लगता है। दोस्तों कुछ अच्छा करने जाओगे और हो बुरा जाएगा, इसलिए सावधान हो जाइए और अपना यह दयावान रवैया इस महीने दोस्तों अपनाना छोड़ दीजिए, वरना अच्छी खासी आपकी जिंदगी जो चल रही है उसमें दोस्तों मुसीबतें ही मुसीबतें आ जाएंगी। फिर चाहे दोस्तों व्यापार हो, नौकरी हो, या फिर आपका घर परिवार, हर जगह आपको दुख परेशानियां भोगनी पड़ेगी। इसलिए आपकी सलामती इसी में है कि आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में आप या फिर आपके घर वाले कुछ गलतियां कर जाएंगे, और फिर आप वापस से मेरे पास आओगे कि गुरुजी मेरे घर परिवार में इतनी मुसीबतें आ रही हैं, कुछ उपाय बताइए। लेकिन गलतियां तो आप कर रहे हो, इसलिए वीडियो को पूरा देखोगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है इस महीने और क्या नहीं करना है, किस चीज को आपको नहीं देना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिख दीजिए जय बजरंग बली। देखिए दोस्तों मैं रोजाना आपके लिए खूब मेहनत करता हूँ दोस्तों, दिन रात जाग जाग कर आपके लिए जानकारी जुटाता हूँ। मैं अपने घर परिवार को भी समय नहीं दे पाता हूँ, केवल और केवल आप लोगों के लिए जानकारी और वीडियो बनाने के लिए, और दोस्तों बदले में मुझे क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। आप मेरी वीडियो को लाइक तक नहीं करते, आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे अच्छा मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली लिख दें, और अगर आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो निश्चिंत रहें और आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वहीं पर आपकी समस्याओं का समाधान भी बता दूंगा। आइए दोस्तों बिना समय को व्यर्थ करें, जानते हैं कि आखिर आपको कौन सी वह चीज है जो अप्रैल के महीने में किसी को भी नहीं देनी है। फिर चाहे वह आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो, या फिर आपका भाई हो, या आपकी बहन हो, या फिर आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। दोस्तों बहुत ही गंभीर बात है और वीडियो इतनी गंभीर है कि आपको देखना बहुत जरूरी है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अपने जवानी का आनंद लेना और अपने भविष्य को नष्ट करना, इनमें बहुत बड़ा अंतर है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो।
दोस्तों मैं आप लोगों को 10 चीजें बता रहा हूँ। यह 10 चीजें आपको अमीर बना देगी, आपको करोड़पति बना देगी, आपको मालामाल बना देगी। आखिर कौन सी है वह 10 चीजें, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, अमीर लोग क्या करते हैं। अमीर लोग अपना लक्ष्य तय करते हैं कि आखिर उनको अपने जीवन में करना क्या है। दूसरी चीज, अमीर लोग एक समय में एक जगह पर ध्यान देते हैं। पहली दोस्तों चीज को पूरा कर लेते हैं, फिर दूसरी चीज पर ध्यान देते हैं। तीसरी है, अमीर लोग समय की इज्जत करते हैं, समय को व्यर्थ खर्च नहीं करते। चौथी चीज है, अमीर लोग कमाई से कम खर्चा करते हैं, और आप लोग कमाते तो 10 रुपए हैं और खर्चा करते हैं 20 रुपए पर 10 रुपए लोगों से कर्जा लोगे और 10 रुपए कमाओगे और फिर 20 रुपए खर्चा कर दोगे। आप ऐसे हो तो पांचवी चीज है, अमीर लोग मेहनती होते हैं। अमीर लोग बहुत मेहनती होते हैं और आप लोग दोस्तों थोड़े आलसी होते हो, ज्यादा मेहनत करने के आदि नहीं होते हो। छठी चीज है, अमीर लोग लगातार सीखते रहते हैं, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, वह कभी भी शर्माते नहीं हैं। सातवीं चीज है, अमीर लोग अच्छे दोस्त बनाते हैं जिनकी सोच बड़ी होती है। इसलिए आपको भी अच्छे दोस्त बनाने चाहिए जो आगे अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो। ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसे लोगों से रिश्ते नाते रखो। दोस्तों आठवीं चीज है, अमीर लोग कभी भी हार नहीं मानते। आपको भी कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितने भी असफल हो जाओ। दोस्तों हार मत मानो, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। नौवीं चीज है, अमीर लोग जोखिम लेते हैं, जोखिम लेने से डरते नहीं हैं, इसलिए आपको भी जोखिम लेना पड़ेगा। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो दोस्तों जोखिम तो लेना पड़ेगा। अब दबी चीज है, अमीर कभी एक कमाई के साधन पर निर्भर नहीं रहते। वह एक बिजनेस चालू करते हैं तो जब वह अच्छा चल जाता है तो वह दूसरा बिजनेस चालू कर देते हैं, फिर तीसरा करते हैं। इसलिए कभी भी एक चीज पर टिके रहो, 10 चीजों पर काम करो, 10 जगह से पैसा कमाओ। तो दोस्तों आशा है मैंने जो यह 10 बातें बताई हैं आप भी वह अपने जीवन में लागू करेंगे। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि आखिर वह कौन सी एक चीज है जो आपको अपने घर में से किसी को भी नहीं देनी है। दोस्तों इस महीने पहली चीज है जो आपको किसी को भी नहीं देना है, फिर चाहे वह कोई आस पड़ोस का व्यक्ति हो, फिर चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना हो, या फिर चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, या फिर आपका भाई ही क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों अगर आपने यह चीज किसी और को दे दी तो समझ लेना आपको जेल तक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। आपको दोस्तों उम्र के भी हो सकती है, आखिर ऐसी कौन सी चीज होगी, तो आप यही सोच रहे होंगे। तो दोस्तों बिना देर करते हुए बता दूं कि आपको इस पूरे महीने अपना वाहन यानी कि अपनी गाड़ी या अपनी कार, अपना दो पहिया वाहन किसी को भी नहीं देना है। क्योंकि इस समय सितारों से बड़े संकेत मिले हैं कि किसी और का किया आपको भुगतना पड़ दिए सकता है। जी दोस्तों तो करेगा कोई और भरोगे आप लोग। जी दोस्तों इस महीने ऐसे संकेत मिल रहे हैं और दुर्घटना के भी संकेत हैं। ऐसे में अगर आप किसी को वाहन देते हो और वह व्यक्ति एक्सीडेंट कर देता है आपके वाहन के जरिए किसी और का, तो वह सारा इल्जाम आप पर लगेगा। क्योंकि वाहन तो आपका है, इसलिए अपना कीमती वाहन किसी को भी ना दे, क्योंकि इस महीने दोस्तों शनि की तिकड़ी बन रही है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, इसलिए आपको बच कर रहना है। चाहे दोस्तों कोई कितना भी गिड़गिड़ाने, किला तेरी गाड़ी दे देला, तेरी कार दे दे दे, मुझे अर्जेंट काम पड़ी, डीएच गया है, तो हाथ जोड़ लेना और माफी मांग लेना कि मैं नहीं दे सकता। क्योंकि अगर आपने किसी को दी तो समझ लेना दुर्घटना हो सकती है और आपको कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ डीएच सकता है।
आपको जेल भी जाना पड़े डीएच सकता है। दोस्तों, आसान से शब्दों में मैंने आपको बताया है, इसलिए अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों इस समय दोस्तों सितारों का बड़ा मायाजाल बन रहा है। और समझ जाना कि आप अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो अगर आप यह गलती करोगे। अब अगली चीज है दोस्तों, ध्यान से सुनना क्योंकि अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। कुल में 5 से 6 चीजों के बारे में बता रहा हूँ और ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब दोस्तों अगली जो चीज है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आखिर वह चीज क्या है, अब आप यही सोच रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वह जो चीज है पैसा, धन दौलत। दोस्तों इस महीने आपको अपना कीमती धन दौलत किसी को भी नहीं देना है, कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी या कोई भी आपका दोस्तों गहरा करीबी आपसे पैसा मांगे तो दोस्तों हाथ जोड़ लेना और कह देना कि मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, चाहे रिश्ते खराब हो तो हो जाने दो, लेकिन पैसा मत देना वरना दोस्तों फंस जाएगा आपका पैसा, सालों साल के लिए आपका पैसा फंस जाएगा। चाहे आप कितने भी अमीर क्यों न हो फिर भी आपको अपना कीमती पैसा किसी को भी नहीं देना है, इस बात की गांठ बांध लेना, क्योंकि इस महीने आपको रिटर्न पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और आपका पैसा बर्बाद होगा और आपको वापस तो मिलना असंभव दिखाई दे रहा है। सितारों ने प्रचंड संकेत दिए हैं दोस्तों इस बात के, इसलिए अपना कीमती पैसा किसी को भी ना दें, क्योंकि योग ऐसे हैं कि इस महीने के अंत में आपको बड़ी धन दौलत की आवश्यकता पड़ेगी, आपको कुछ अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ सकती है, और अगर आप अपना पैसा किसी और को दोगे और फिर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाएगी तो फिर तो दोस्तों आपको आपका पैसा मिलेगा नहीं, तो फिर आप अपना काम कैसे करोगे, इसलिए अपना कीमती पैसा किसी को ना दे दें। अपने पैसे को संभाल कर रखें क्योंकि इस महीने दोस्तों तो पूरे योग बन रहे हैं कि आपको धन दौलत की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। आपको पैसों की दोस्तों समस्या आ सकती है। अगर आप किसी और को पैसा दोगे तो समझ जाना कि आप अपना धन दौलत इस महीने किसी को भी ना दें, क्योंकि दोस्तों इस महीने चैत्र नवरात्रि आ रही है, माता रानी के 9 दिन होंगे। दोस्तों बहुत ही पवित्र महीना है यह अप्रैल का महीना। इस महीने दोस्तों माता रानी का बहुत ही खास त्योहार आ रहा है, सबसे बड़ी नवरात्रि है दोस्तों। ऐसे में इस नवरात्रि के पर्व के दौरान आपको अपना धन किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि अगर आप अपना धन किसी और को देते हो तो दोस्तों मान्यता है कि आप अपनी लक्ष्मी को किसी और व्यक्ति को दे रहे हो, और अगर आप इस महीने में अपना धन किसी और को दोगे तो माता लक्ष्मी फिर आपका घर छोड़कर चली जाएगी, आपका दोस्तों दामन छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि माता लक्ष्मी को ऐसा लगेगा कि आपको उनकी जरूरत है, नहीं आप तो किसी और को दे रहे हो। इसलिए माताजी के इन दिनों में अपना धन, अपनी कीमती वस्तुएं किसी को भी ना दें, वरना फिर बाद में मुझे मत कहना कि दोस्तों की गुरुजी अब धन दौलत नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी कृपा नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए अक्सर दोस्तों हम लोगों से सुनते हैं कि दीपावली पर किसी को भी धन दौलत नहीं देना चाहिए, किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए, ठीक वैसा ही इस नवरात्रि के पर्व के दौरान भी लागू होता है। इसलिए अप्रैल के दौरान अपना धन दौलत किसी को भी ना दे दें। अब अगली चीज की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों बिना देर करते हुए, क्योंकि यह चीज बहुत जरूरी है जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप दोस्तों 100% यह चीज किसी और को दोगे ही दोगे, और उसके बाद आपके जीवन में जो मुसीबतें आएंगी दोस्तों उससे तो आप सामना करने लायक ही नहीं बचोगे, क्योंकि मुसीबतें ही फिर इतनी बड़ी आएगी। तो दोस्तों मुसीबतें नहीं आए इससे पहले आपको संभल जाना है,
आखिर क्या है वह चीज, ध्यान से सुन लीजिए जी दोस्तों। अगली चीज है, आपको अपनी राय किसी को भी नहीं देनी है। आपको रायचंद जी दोस्तों, आपको रायचंद बिल्कुल नहीं बनना है इस महीने जी दोस्तों। तो आपको मुफ्त की सलाह किसी को भी नहीं देनी है, क्योंकि इस महीने दोस्त तीन ग्रहों की तिकड़ी बन रही है और दोस्तों आप फ्री फोकट में मुसीबतें अपने सर पर ला टपका होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको आदत है दोस्तों मुफ्त में लोगों को राय देने की, मुफ्त में लोगों को सलाह बांटने की। ऐसा आपको इस महीने नहीं करना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी राय अगर आप किसी को देते हैं, अगर आप किसी को सलाह देते हैं, तो दोस्तों उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी को सलाह दोगे और आपकी उस सलाह से सामने वाले व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, सामने वाले व्यक्ति की जिंदगी में और मुसीबतें आ सकती हैं। इसलिए मुफ्त में किसी को भी राय न दें। अगर आपने मुफ्त में किसी को भी सलाह दी, किसी को मुफ्त में दोस्तों राय दी, तो उससे उसके जीवन में मुसीबतें आ सकती हैं, उसके जीवन में उल्टा उसका परिणाम आ सकता है, जिसके बाद दोस्तों ये सभी चीजें आप पर टपके की उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, फिर लोगों की दोस्तों बुराइयां आपको मिलेगी। इसलिए मुफ्त में किसी को भी राय आपको नहीं देनी है, वरना आपको दोस्तों फोकट में अपमान सहना पड़ेगा, आपके मान सम्मान में भी खतरा आ सकता है। अगली चीज है दोस्तों, जहां दो जने लड़ाई कर रहे हो, जहां दो जनों के बीच में दोस्तों झगड़ा हो रहा हो, वहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आपकी आदत है कि आपके सामने अगर कुछ गलत हो रहा हो या फिर आपके सामने कोई दो जने लड़ाई कर रहे हो, तो आप बीच में पड़ जाते हो, आप उनको सलाह देने चले जाते हो, आप उनका झगड़ा सुलझाने चले जाते हो। लेकिन अगर इस महीने ऐसा किया आपने, तो दोस्तों फिर वह सारा भांडा आपके ऊपर फूट सकता है। उन दोनों व्यक्तियों की लड़ाई तो कहीं और गई, आप उस लड़ाई में इन्वॉल्व हो सकते हो, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों फोकट में किसी के भी पचड़े में आप मत पड़े। 10 बार नहीं, 1000 बार आपको बोल रहा हूँ। अब दोस्तों आपको अपने घर की कुछ चीजें हैं, कुछ सामान है, वह किसी और को नहीं देना है, चाहे आपका पड़ोसी दोस्तों आपसे कितनी ही गुहार लगाए, आपके सामने मांगते मांगते मर जाए, फिर भी आपको वह चीज किसी को नहीं देनी है। आखिर कौन सी है वह चीज, आइए जान लेते हैं। बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों आप तो एक दानवीर कर्ण हैं, आप तो बहुत बड़े दयावान इंसान हैं, आपकी दया के दोस्तों चर्चे होते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों आपकी राशि में ही कूट कूट कर दया भरी हुई है। दोस्तों मैं अक्सर आपको एक ही बात कही है कि लोग आपके पास आते हैं, भले ही वह मगरमच्छ के आंसू लेकर आएंगे, तो भी आप दोस्तों उनके ऊपर भरोसा कर लेंगे। आपको दोस्तों अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा फंसा कर लोग आपकी जायदाद उनके नाम करवा चाहते हैं। ऐसा सच में होता है दोस्तों, आप मुझे पता है मेरी बातों से रिलेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि गुरुजी आप तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, गुरुजी को कैसे पता चल रहा है कि ऐसा मेरे साथ होता है, क्योंकि ऐसा होता है। मुझे पता है आपकी कुंडली में ही ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन इस महीने आपको बिल्कुल भी अपने घर की एक चीज नहीं देनी है किसी को, चाहे आपका रिश्तेदार आपकी छाती पर चढ़ जाए, चाहे दोस्तों आपके पड़ोसी आपसे कितनी ही गुहार लगाए, फिर भी आपको वह चीज नहीं देनी है। कौन सी है वह चीज, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इस अप्रैल के महीने में आपको लहसुन और प्याज किसी को भी नहीं देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने माता रानी का त्योहार चलेगा दोस्तों, शीतला सप्तमी भी है, उसके बाद दोस्तों दशा माता का भी पूजन होता है,
उसके बाद चैत्र नवरात्रि आती है। 9 दिन माता रानी का त्योहार होता है, उसके बाद रामनवमी का त्योहार आएगा। दोस्तों, साथ ही हनुमान जयंती भी आएगी। ऐसे में यह पूरा महीना दोस्तों देवी देवताओं का महीना है, खासकर की माता रानी का महीना है दोस्तों। और आप सभी जानते हैं कि लहसुन और प्याज जिनका दोस्तों तामसिक भोजन में यूज होता है, उपयोग होता है, इसलिए आपको अपने घर में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल भी कम करना है। और साथ में लहसुन और प्याज किसी भी और को, किसी भी पड़ोसी को, किसी भी रिश्तेदार को नहीं देना है। आपका पड़ोसी आता है आपके पास में और कहता है मुझे लहसुन दे दो, मुझे प्याज दे दो, फिर भी आपको नहीं देना है। लाख आपके घर में पड़े हो तो भी आपको नहीं देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों इस महीने अगर आप अपने घर से लहसुन प्याज किसी और को देते हो और फिर आपके पड़ोसी ने लहसुन प्याज से अपने घर में खाना बनाया, तो दोस्तों उसका जो पाप है वह आपके सर पर चढ़ जाएगा, उसका पाप दोस्तों आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने घर के लहसुन प्याज किसी को भी इस महीने ना दें, क्योंकि इसके पीछे दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथों में विस्तार से चर्चा की गई है। अगर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा तो दोस्तों कई घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक मुझे भाषण देना पड़ जाएगा। इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि त्योहार रहे, माफ कीजिएगा, त्योहार वाले दिनों में आपको अपने घर की जो तामसिक चीजें होती हैं, जैसे आलू, प्याज, लहसुन, ये चीजें आपको किसी को भी नहीं देनी है। दोस्तों आशा है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, क्योंकि ये महीना दोस्तों कोई साधारण महीना नहीं है। इस महीने दोस्तों अगर व्यक्ति चाहे तो अपनी फूटी किस्मत को चमका सकता है, व्यक्ति चाहे तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके धनवान बन सकता है, अमीर बन सकता है। दोस्तों हमारे पिछले युग में यानी कि सतयुग में, त्रेता युग में दोस्तों आर्षि मुनि माता रानी को खूब चाहते थे इस महीने, और माता रानी आसानी से इस महीने वरदान दे देती थी आर्षि मुनियों को, साथ ही राक्षसों को भी वरदान मिल जाते थे। और दोस्तों उसके बाद होता कुछ ऐसा था कि जो राक्षस होते थे उनको वरदान माता रानी खुद दे देती थी, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर। फिर दोस्तों राक्षस भी बहुत बड़े दोस्तों शक्तिशाली रूप धारण कर लेते थे। तो दोस्तों ऐसी होती है इस अप्रैल माह यानी कि दोस्तों चैत्र माह की महिमा। दोस्तों मैंने सिंपल शब्दों में आपको समझा दिया है, लेकिन आगे जो मैं आपको चीज बताने वाला हूँ वह कोई दोस्तों छोटी मोटी चीज नहीं है। वह तो आप दोस्तों 100% अपने घर की उस चीज को आप लोगों को दोगे ही दोगे। इस महीने लिखकर रख लीजिए, अगर मैं नहीं बताता तो दोस्तों आप वह चीज अगले ही दिन लोगों को दे देते, अपने पड़ोसियों को दे देते, अपने दोस्त को दे देते थे। लेकिन आप बहुत ही सही टाइम पर वीडियो देख रहे हैं और आपने अपनी किस्मत को फूटते हुए बचा लिया है। तो आखिर कौन सी है वह चीज, आपके मन में यही सवाल आ रहे होंगे। तो बिना देर करते हुए आइए अब उस चीज के बारे में जान लेते हैं। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, तो आप में से कई लोग इस महीने व्रत करेंगे। इस महीने दोस्तों चैत्र नवरात्रि के समय में धूप ध्यान करेंगे, माताजी को प्रसन्न करने के तरह तरह के उपाय करेंगे, कई लोग कन्या भोजन तक करवाएंगे, कई लोग दोस्तों कन्याओं की पूजा करेंगे, कई लोग कन्याओं को भोग तक लगाएंगे दोस्तों अपने घर बुलाकर कर। लेकिन ऐसे में आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और वह है दोस्तों आप इस पूरे महीने किसी भी कन्या को या फिर दोस्तों किसी भी स्त्री को, फिर चाहे वह आपके घर की स्त्री हो या फिर कोई दोस्तों आस पड़ोस में हो, कोई बाहरी स्त्री हो, तो दोस्तों आपको किसी को भी ना ही कोई अपशब्द बोलना है, ना ही कोई झूठा वचन उनको देना है, ना ही उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। क्योंकि इस महीने
दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि माता रानी के यह दिन चलेंगे। पूरा महीना पवित्र महीना है और दोस्तों, इन माता रानी के दिनों में दोस्तों स्त्रियों में, घर की बेटियों में, घर की माताओं में और साथ ही दोस्तों समस्त स्त्री जन्म में दोस्तों माता रानी के अंश होते हैं। ऐसे में आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कई बार दोस्तों घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या फिर किसी बात में दोस्तों तू तू मैं हो जाती है। तो दोस्तों, उस चीज को लेकर आप घर की स्त्रियों को कभी भी इस महीने अपशब्द ना बोलें, ना ही गुस्से में आकर भला बुरा कहें और ना ही उनका मन दुखाएं। अगर इस महीने उनका मन दुखा दिया आप लोगों ने, तो समझ जाइए आपने अपने घर की लक्ष्मी का मन दुखा दिया। क्या आपने स्वयं माता लक्ष्मी का, स्वयं माता दुर्गा का मन दुखा दिया है? ऐसे में आप लोगों के घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए रूठ कर जा सकती हैं। माता लक्ष्मी का क्रोध आपको झेलना पड़ सकता है, माँ कालिका का भी क्रोध आपको झेलना पड़ सकता है। आप में से कई लोग यह गलती अवश्य रूप से करेंगे, क्योंकि मेरी बातों को आप एक दिन दो दिन याद रख लोगे, उसके बाद तो आप भूल जाओगे और फिर आप अपने घर में फिर वही गलती करोगे। लेकिन मेरी इन बातों को आपको पूरे महीने ध्यान रखना है, इन दोस्तों गलतियों को नहीं करना है, वरना उसका दुष्परिणाम फिर आपको ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, अब कुछ चीजों के बारे में बता रहा हूँ जो आपको अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कड़ी मेहनत हम लोग करते हैं फिर भी हमको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, यानी कि गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सुख समृद्धि की समस्या लगातार हमारे जीवन में बनी रहती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र की माने तो दोस्तों हमारे अपने घर के वास्तु दोष को ठीक करके हम ये सारी परेशानियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर हमारे घर का वास्तु ठीक रहेगा तो दोस्तों हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर हो जाएगी और हमारे घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वास्तु दोष से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई बार घर में हमारे कुछ ऐसी चीजें पड़े ही होती है जिसकी वजह से हमारे घर में दोस्तों बहुत गलत गलत चीजें होना शुरू हो जाती है। देखिए, आप लोग दोस्तों मार्केट से यानी कि बाजार से कुछ चीजें खरीद कर लाते हैं, अपने घर में रखते हैं। आप यह सोच कर लाते हैं कि इन चीजों से तो मेरे घर में अच्छी सी रौनक आएगी, इन चीजों से मेरे घर की सजा और बढ़ेगी, मेरे घर में और निखार आएगा। या फिर कभी कभी आप कुछ चीजें खरीद कर अपने घर में लाते हैं जिससे उसका कुछ उपयोग हो, लेकिन आप यह नहीं जानते कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब वह हमारे घर में आ जाती है तो दोस्तों हमारे घर का दोस्तों वास्तु ही बिगड़ जाता है, हमारे घर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो दोस्तों, इन चीजों को घर से बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। आखिर कौन सी है वह चीजें, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहली है दोस्तों खंडित मूर्तियां। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार कभी भी घर में खंडित मूर्ति या फिर दोस्तों जो देवी देवताओं के फटे हुए चित्र होते हैं, टूटी हुई तस्वीरें होती हैं, नहीं रखना चाहिए, वरना इससे घर में नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और फिर हमारे घर में दुर्भाग्य हो जाता है, परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपने घर के मंदिर में जाइए और वहां पर अच्छे से बारीक नजर लगाकर देखिएगा कि कहीं कोई मूर्ति खंडित तो नहीं है, कहीं कोई तस्वीर फटी हुई तो नहीं है, और जब आप यह देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है तो दोस्तों फिर आपको वह चीज सही करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे दोस्तों तो फिर दिक्कत और परेशानी तो आएगी ही आएगी। अगली चीज है दोस्तों जूते चप्पल।
वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों हमें अपने घर में टूटे हुए चप्पल या फिर दोस्तों पुराने चप्पल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों कई लोगों की आदत होती है कि चप्पल बहुत सालों साल चलाते हैं, घिस आ जाती है तो उसको घर में पटक देते हैं। कुछ लोग टॉयलेट में उनका यूज करते हैं, लेकिन शास्त्रों में दोस्तों इस चीज की मनाही है। हमारे धर्म ग्रंथों में देखा जाए तो दोस्तों पुराने टूटे हुए चप्पल जूतों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके इस्तेमाल करने से दरिद्रता आती है, साथ ही परिवार के बीच मनमुटाव भी होता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा आए दिन होता रहता है, भाई भाई में नहीं बनती है, या फिर दोस्तों आपके घर में कभी भी एकता ही नहीं रहती है, तो आप अपने घर की थोड़ी सी चप्पलों की तरफ नजर मारिए कि क्या घर का कोई व्यक्ति बहुत सालों से चप्पलों का इस्तेमाल करे जा रहा है। कहीं दोस्तों आप अपने घर के दोस्तों स्टोर रूम में या फिर दोस्तों जहां पर आप बहुत ज्यादा कबाड़ रखते हैं, वहां पर देखिए कि कहीं वहां पर कोई पुरानी चप्पल वगैरह तो नहीं पड़ी हुई है। अगर पड़ी हुई है तो उसे तुरंत बाहर फेंकिए, क्योंकि यह मात्र वजह होती है घर में लड़ाई और झगड़ों की अगली चीज है दोस्तों टूटा हुआ फर्नीचर हो गया या फिर टूटी हुई कुर्सी हो गई। दोस्तों कभी भी अपने घर के प्रवेश द्वार पर या फिर घर के किसी भी कोने में टूटी कुर्सी या फिर टूटा फर्नीचर नहीं रखना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इनको सही करवा लें या फिर बाहर फेंक दें, वरना दोस्तों समझ जाना माता लक्ष्मी कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि जिस घर में टूटी पुरानी चीजें होती हैं वहां फिर माता रानी कभी प्रवेश नहीं करती है। और दोस्तों तो अगली चीज है साबुन। जी दोस्तों, बिल्कुल सत्य सुना, साबुन। कई बार दोस्तों साबुन के छोटे हो जाते हैं, कई बार हम जो नहाते हैं वह साबुन छोटा हो जाता है, तो दोस्तों कई लोग उन छोटे छोटे टुकड़ों को संभाल कर रख लेते हैं, उन साबुनों को बिल्कुल संभाले रखते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में साबुन के छोटे छोटे टुकड़े रखने से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, क्योंकि दोस्तों उन छोटे टुकड़ों में हमारे हाथों की गंदगी होती है। कई दिनों का मल जमा होता है, कई दिनों की गंदगी जमा होती है, कई जगह जगह की दोस्तों उसमें गंदगी होती है। ऐसे में वह जो गंदगी है वह एक नकारात्मक ऊर्जा का रूप ले लेती है और फिर उसमें नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है जो हमारे घर की बरकत को दोस्तों बर्बाद करती है। अब अगली चीज है दोस्तों पुराने फटे कपड़े। कई लोगों की आदत है कि वह अपने घर में फटे पुराने कपड़े रखे रहते हैं। दोस्तों उन कपड़ों को कभी भी अपने घर से बाहर नहीं फेंकते हैं। कुछ लोग पहनते नहीं हैं कपड़े, बस कपड़ों को अपने घर में ही पटक रखते हैं, उनका उपयोग भी नहीं करते और ना ही उनको फेंकते हैं। इससे दोस्तों घर में फिर काफी बुरा उनको दृश्य देखना पड़ता है, उसकी वजह से दोस्तों घर में बीमारियां आती है। तो दोस्तों आशा है मेरी बातें अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।